हेलो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। पिछले 4-5 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था सारणी, जिसकी पहली 3 क्लासों में इसके बारे में पढ़ाया गया था। पहली क्लास में आपको सारणी का प्रसार करना सिखाया था, मान ज्ञात करना सिखाया था। दूसरी क्लास में आपका टॉपिक पढ़ाया था उपसारणिक और उपसेखंड, और तीसरी क्लास में आपको पढ़ाया था इसकी में सारणिक के गुणधर्म। तो सारणिक के गुणधर्मों पर आधारित ही क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो सारणिक के गुणधर्म मैंने आपको ढंग से समझाए थे, एक बार और रिपीट करता हूँ, आप उनको देखना। मैंने इसके 8 गुणधर्म लिखाए थे। पहले गुणधर्म में आपको समझाया था, पहला गुणधर्म आपको बताया था कि यदि किसी सारणिक की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। सेकंड गुणधर्म में आपको बताया था कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं 2 पंक्ति अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान तो वही रहता है किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। तीसरे गुणधर्म में बताया था यदि किसी सारणिक की कोई 2 पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। चौथे गुणधर्म में बताया था मैंने यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी एक अदिश राशि k का गुणा किया जाए तो सारणिक का मान भी k गुणा हो जाता है। आगे पीछे हो सकते हैं गुणधर्म। और उसमें एक और बात बताई थी कि इस गुणधर्म को ऐसे भी समझा जा सकता है कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई राशि उभयनिष्ठ है तो उसे सारणिक से बाहर निकाला जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट गुणधर्म में आपको पढ़ाया था कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योगफल हो तो उस सारणिक को उसी कोटि के 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गुणधर्म नंबर 6 लिखाया था, जिसका हम प्रयोग ज़्यादातर करेंगे, कि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद आपको 7वां गुणधर्म लिखाया था कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का उसके संगत सहखंडों के साथ किसी अन्य पंक्ति के सहखंडों के साथ गुणनफल का योग 0 होता है। दोबारा से बोलता हूँ, सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों का किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सहखंडों के साथ गुणनफल का योग 0 होता है। और लास्ट गुणधर्म 8वें गुणधर्म में पढ़ाया था यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो आपके दिमाग में ये बात तो आ रही होगी कि इतने सारे गुणधर्मों का हुआ क्या। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन जो प्रूफ करने को आता है तो या तो वो लिख के दे देता है कि सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करें, नहीं भी लिख के दे तो भी हमें गुणधर्म अप्लाई कराते हैं। तो किस तरीके से अप्लाई कराते हैं, कैसे सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, वो प्रक्रिया के तहत पूरा समझेंगे और 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आपका बन के आएगा। तो फिलहाल मैं 4.2 प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके आपको 1-2 क्वेश्चन लेता हूं। तो प्रश्नावली 4.2, पहली प्रश्नावली तो केवल प्रसार करना था 4.2। तो पेपर में कहता है सिद्ध करने को आता है तो सारणिक का गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं। कुछ मैं आपको क्रिया विधि बताऊंगा, उसको आपको दिमाग में रखना है, चाहे तो उसको आप नोट कर लेना। सारणिक का मान किसी दिए गए मान के बराबर सिद्ध करने के लिए कुछ प्रक्रिया का ध्यान रखते हैं, वही प्रक्रिया आपको हर बार लगानी है। तो जो मैं बोलूं उसको आप नोट कर लेना, इस बात का ध्यान रखना। प्रक्रिया ये अपनी हुई बनाई हुई है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में इसी बात का ध्यान रखना है। तो देखिए क्या प्रक्रिया है, ढंग से समझना इस बात को जो मैं बोलूं। तो सारणिक का मान किसी दिए गए मान के बराबर सिद्ध करने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनाते हैं, वो क्या प्रक्रिया है वो समझिए। सर्वप्रथम क्या देखते हैं, सारणिक का मान किसी दिए गए मान के बराबर सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई अवयव उभयनिष्ठ तो नहीं है, यदि है तो उसको सारणिक से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, सारणिक का गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए सारणिक की किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में 2 जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझना, गुणधर्मों का प्रयोग करके सारणिक की किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में 2 शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। अगर वो 2 शून्य किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में ना बन पाए तो कहीं पर भी बन जाए, वो बात अलग है, लेकिन प्रयास हम करते हैं कि एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में 2 जीरो बन जाए। और ऐसा अक्सर करके तब हो पाता है जब उसका प्रत्येक अवयव एक सा हो जाए जिससे हम बाहर निकाले तो 1 1 1 बचे। वो आप क्वेश्चनों में समझेंगे तो आपके दिमाग में आएगा। फिर पुनः देखते हैं कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई राशि उभयनिष्ठ तो नहीं है, यदि है तो उसको पुनः बाहर निकाल लेते हैं। और अंत में क्या करते हैं, ध्यान से समझना, प्रक्रिया अपना रहा हूं, क्वेश्चन अभी कराऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, आपकी समझ में आएगा।
फिर अंत में जिस पंक्ति अथवा स्तंभ में दो शून्य बनाए हैं उसी के सापेक्ष सारणिक का प्रसार करके सारणिक का मान किसी दिए गए मान के बराबर सिद्ध कर देते हैं। लग रहा होगा कि कितना अटपटी सी बातें हुई हैं ये, लेकिन सब समझ में आएगा क्वेश्चन के माध्यम से। गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे, रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो प्रश्नावली 4.2 का एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.2, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन लेते हैं, अब आप समझना। तो क्वेश्चन नंबर मैं इसका करा रहा हूं 5, सिद्ध कीजिए। एक ही पैटर्न के मैं कई सवाल कराऊंगा आपको, आपकी समझ में आता जाएगा। सिद्ध कीजिए कि एक सारणिक दे रखी है जिसके क्या एलिमेंट दे रखे हैं, 1 1 1, आप कैसे भी लिख लें, yz zx xy zx xy, और फिर तीसरे कॉलम में क्या दे रखा है, y+z z+x and x+y। और ये मान किसके बराबर सिद्ध करना है आपको, x-y y-z and z-x। ठीक है, तो देखेंगे इसकी LHS लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 yz y+z 1 zx z+x and 1 xy x+y। देखिए तो अब इसके मान को डायरेक्ट सिद्ध करने के लिए डायरेक्ट प्रसार मत कर देना। अगर आपने डायरेक्ट इसका प्रसार कर दिया तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको प्रयास क्या करना है, इसकी किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में 2 जीरो बनाने का प्रयास करना है। अगर 2 जीरो बन जाते हैं तब इसका प्रसार कर देना। अब 2 जीरो कैसे बनाए हैं, तो अगर किसी पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव 1 1 बन जाए तो समझ लो आपको 90% सफलता तो पहले से हासिल हो जाती है। इसमें 2 जीरो बनाना बड़ा आसान है। तो हमने क्या करना है, इसमें 2 जीरो बनाने हैं, किसी प्रकार बनाने हैं। तो हमने क्या किया, इसमें से ऐसे भी करा सकते हैं, जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, C1 है, C2 है, C3 है। तो मैंने क्या किया, R1 में से R2 घटा दो, या R2 में से R1 बन में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, 0। और ये गुणधर्म नंबर 6 लिखाया था कि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में से किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, R2 में एक संक्रिया लगाई कि R2 में से क्या घटा दिया, R1। उल्टा भी घटा सकते हो, R1 में से R2। अब 1 में से बन जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से देखो क्या हो गया, R1 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, yz y+z। अब 1 में से बन जाएगा क्या बचेगा, 0। zx में से क्या घटेगा, yz। z+x में से क्या घटेगा, z+x में से क्या घटेगा, ये दोनों तो -y -z। ये देखिए, और ये फिर आएगी ये लाइन। तो हम एक बार बताओ, अगर इसमें से इसको घटाया तो इसमें से भी तो इसको घटा सकते हैं, अगले स्टेप पे घटाते। अरे मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जैसे आपने ये लिखा तो अगले स्टेप पर फिर 0 बनाने का प्रयास करोगे आप, ये तो 1 जीरो बना है तो फिर भी तो घटाओगे, R3 में से किसको घटाओगे, R1 को। तो हम एक बार में डबल डबल संक्रिया यहां पर लगा सकते हैं क्योंकि स्टेप बढ़ाने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे हमने R2 में संक्रिया लगाई, ऑपरेशन कहते हैं, R2 में क्या ऑपरेशन लगाया कि R2 में से क्या घटाया, R1, तो R2 चेंज हो गया। अब अगले स्टेप पर फिर यहां पर 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R3 में से क्या घटाओगे, R1। तो अगले स्टेप पर घटाने की जरूरत नहीं, यहीं पर ही घटा सकते, R3 में से भी क्या घटा दिया, R1। ये देखिए डबल संक्रिया एक साथ यूज कर सकते हो। देखो R2 में संक्रिया क्या लगाई, R2 में से क्या घटाया, R1। R3 में क्या संक्रिया लगाई, R3 में से क्या घटाया, R1। अभी आपको ये अटपटी सी बात लग रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। एक तो सवाल और करेंगे आपकी समझ में आने लगेगा। तो देखिए क्या हो गया, 1 में से 1 जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, 0। xy में से yz घटाना है, xy-yz, और x+y में से इसको घटाओगे तो x+y -y -z। R1 चेंज नहीं हुआ क्योंकि R1 को तो घटाया गया किसमें से, R2 में से और R3 में से। R2 में संक्रिया लगाई, R2 में से R1 घटा दिया, काम कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप पे वो काम करते यहीं पर कर लिया कि R3 में से भी क्या घटा दिया, R1। ऐसा करने से क्या लाभ प्राप्त हुआ, ऐसा करने से ये लाभ प्राप्त हुआ कि इस एक ही स्तंभ में 2 जीरो बन गए। तो हम सोच रहे होंगे सर ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी है, ऐसा कंपलसरी तो नहीं होता है कि एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ बने, कहीं पर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 शून्य तो आपको बनाने ही बनाने। अगर ऐसा करते हो तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।
तो ये बात समझ में आ रही होगी क्या किया है, संक्रिया लगाना समझ में आ रहा होगा, ये आपका गुणधर्म नंबर छठा लगाया है। तुम कहोगे डबल कैसे लगा दिया एक बार में, तो अब इसको अगले स्टेप पे लगाते तो मैंने यहीं पे लगा दिया, इससे आपका एक स्टेप बच गया, थोड़ा काम भी बच गया। तो ये समझ में आया होगा, आर टू में से आर वन घटाया, आर थ्री में से आर वन, समझ में आया। अब इसके बाद कहोगे सर आपने दो जीरो बना दिए, इसका प्रसार कीजिए। प्रसार करने से पूर्व ये देखिए कि कहीं किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में से कोई अवयव कॉमन में तो नहीं आ रहा है। तुम कहोगे कॉमन में कहां है, तो इसको सरल करके देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा कॉमन में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको देखते हैं, तो थोड़ा सा इसको इजी बना देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे इसकी। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे ही जीरो, इन दोनों में से क्या कॉमन में दिखाई दे रहा है आपको, देखो जेड, तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। यहां से क्या बच रहा है, देखो जेड से जेड कैंसिल बचा, क्या हो गया एक्स माइनस वाई। यहां पर देखिए जीरो x माइनस, इसमें से क्या कॉमन में आ रहा है y, क्या बचेगा यहां से x माइनस जेड, यहां से क्या है y से y कैंसिल, क्या बचा x माइनस जेड। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ढंग से, r2 में से क्या कॉमन में आ रहा है x माइनस वाई, जीरो में से तो प्रत्येक राशि कॉमन में आ जाती है, ध्यान रखना ये बात। और r3 में से क्या कॉमन में आ रहा है x माइनस जेड, देखो x माइनस जेड यहां पर भी है यहां पर भी, जीरो में से तो आ ही जाता है कॉमन में, तो इन दोनों को बाहर निकालेंगे। तो इसमें से क्या किया जाए देखिए, R2 से क्या x माइनस वाई तथा R3 से क्या x माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ को ध्यान रखना क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉमन, COMMO, लेने पर, लेने पर रिजल्ट हमें ये लाना है। तुम कहोगे रिजल्ट में तो जेड माइनस एक्स लाना है आपने, तो एक्स माइनस जेड ले लिया, हाँ वो एक ही बात है, बाद में इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस जेड को क्या लिखा जा सकता है, जेड माइनस एक्स, वो रिजल्ट को बाद में सेट कर देंगे। फिलहाल यहां से देखिए, तो इसको क्या होगा, यहां से क्या किया आपने, इसको मैं हटा देता हूं, अब तो चाहे लिखा रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से देखिए इसको समझना, तो मैंने क्या किया यहां से आर टू में से एक्स माइनस वाई निकाल लिया, ये ये गुणधर्म नंबर चार लिखाया था, सारे की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में से कोई किसी संख्या के का गुणा किया जाए तो सारे का मान के गुणा हो जाता है। और उसको ऐसे भी लिखाया था कि अगर किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई राशि उभयनिष्ठ है तो सारे से बाहर निकाला जा सकता है। तो वही देखिए आर टू में क्या कॉमन में दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस वाई बाहर निकाल लिया, आर थ्री में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है एक्स माइनस जेड बाहर निकाल लिया, ये देखिए क्या क्या बचा उसको देखिए, वन वाई जेड वाई प्लस जेड, बहुत आसान है, एक तो बार आप करेंगे आपकी समझ में आने लगे। संक्रिया लगानी है मेन, तो जीरो बनाने है, कॉमन फैक्टर बाहर निकालने है, कॉमन जो वैल्यू हो, और फिर एंड में प्रसार करना है। यहां से अगर आपने एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा जीरो, जेड और एक्स माइनस वाई यहां से लगा तो यहां पर क्या बचेगा वन, तो वन कहां से आ गया, वन इंटू समझ लो, इसमें से एक्स माइनस जेड कॉमन लोगे तो क्या बचेगा जीरो, यहां से क्या आया वाई और यहां से वन, ये भाई बचे यहां से क्या बचेगा वन, ये देखिए। अब यहां पर और भी काम कर सकते हो आप, इसमें से इसको घटा सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है, दो जीरो बन गए, वेल गुड है, बस यहीं पर दो जीरो बन चुके हैं, कॉमन फैक्टर बाहर आ चुके हैं, अब इसका प्रसार कर दो। और प्रसार किसके सापेक्ष किया करो, जिस पंक्ति अथवा स्तंभ में दो जीरो बनाए उसी के सापेक्ष इसका प्रसार कर दो। तो आपने कहां पर बनाए दो जीरो, पहले स्तंभ में, ये सी वन फर्स्ट कॉलम, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अभी आपको और कठिन क्वेश्चन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते चलो आप इसको समझ में आएगा ढंग से, देखिए प्रसार कीजिए इसका कैसे, प्लस माइनस प्लस, तो क्या होगा यहां से वन के लिए क्या होगा, ये हटेगा ये हटेगा, जेड का गुणा तो वन से जेड और वाई का गुणा वन से माइनस, जीरो जीरो के लिए तो करने की कोई जरूरत नहीं। यहां से क्या रिजल्ट मिला, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड और जेड माइनस वाई, समझ में आ गया होगा यहां तक। अब यहां से क्या करना है देखिए, रिजल्ट तो ये नहीं प्रूव करवाया था, रिजल्ट में एक्स माइनस वाई था, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स थे, जबकि उल्टे, तो एक काम कर लो आपको समझ में आता होगा, जैसे ए माइनस बी है, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाता है बी माइनस ए, माइनस वाला प्लस का हो जाता है, प्लस वाला माइनस का,
तो बेस्ट क्या किया हमने, x माइनस वाई ऐसे ही, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, आगे पीछे लिख लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो y तो प्लस का हो जाएगा और z माइनस का, ये x माइनस z ऐसे ही आगे पीछे लिख दिए। अब फिर दोबारा से इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस वाई आई माइनस जेड, और इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस का हो गया और प्लस वाला माइनस का, जेड माइनस चाहे तो ये लाइन मत लिखो, अरे इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस जेड माइनस वाई को क्या लिख दिया, वाई माइनस जेड, और एक्स माइनस जेड को क्या लिख दिया, जेड माइनस, तुम कहोगे आगे पीछे लिखिए तो वो तो एक ही बात है, अगर पद एक तरफ हो उनको आगे पीछे सेट करने में चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो समझ में आ गया होगा, वाई माइनस जेड, जेड माइनस वाई को तो वाई माइनस जेड लिख दिया माइनस आ गया, और एक्स माइनस जेड को क्या लिख दिया, जेड माइनस एक्स, एक माइनस हो रहा तो माइनस माइनस प्लस। अरे यहीं पर समझ सकते हो, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो माइनस आ गया, और इसमें से ही माइनस कॉमन तो माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। तो आपने देखा अक्सर कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, चक्रीय क्रम में, जैसे एक्स वाई जेड, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, अगर ए बी सी चल रहे होंगे तो ऐसे आएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तो इस प्रकार चलता है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस, तो इस चक्रीय क्रम में चलता है साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये समझ में आया होगा आपके, ये लाइन समझ में आई, मैंने क्या किया है दोबारा से देखो, ये तो आगे पीछे भले ही लिख लो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इसमें से भी कॉमन लिया, माइनस इसमें से तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस का हो गया ये माइनस का, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का। तो आपने देखा कि एक शारीरिक का तीन नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रकार का आएगा, तो सिद्ध कीजिए, कोई रिजल्ट प्रूव करवाएगा, तो सिर्फ किसी रिजल्ट को सिद्ध करने के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है वो मैं आपको पूरी बात बता चुका हूं, फिर दिमाग में रिमाइंड कर लेना, शारीरिक के गुणधर्मों का प्रयोग करना है आपको, गुणधर्मों का प्रयोग करके किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ में दो जीरो बनाने का प्रयास करो, अगर ये एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में नहीं बनते तो कहीं पर भी बन जाए, और फिर कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना है, और अंत में जिस पंक्ति अथवा स्तंभ में जो जीरो बनाए हैं कहीं और बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के साथ एक प्रसार कर लेना, लेकिन जिस पंक्ति अथवा स्तंभ में बने तो उसी के साथ एक प्रसार कर लेते हैं और शारीरिक का मान अपने आप प्रूव्ड हो जाता है, फैक्टर करने की जरूरत पड़े तो फैक्टर कर लेते हैं, सरलीकरण तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपने क्वेश्चन समझा होगा पूरा किस तरीके से किया है, समझ में आया है ये रिजल्ट समझ में आ गया होगा, ये चीज आपके दिमाग में बैठी कि नहीं, ये देखिए बहुत आसान बात थी ये, अभी और कराएंगे, आपको गुणधर्म नंबर छठा लिखाया था, शारीरिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में से किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके, मत करो गुणा, वन का गुणा समझ लो, से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो शारीरिक का मान अपरिवर्तित रहता है, तो मैंने आर टू में से आर वन को वन का गुणा करके घटा लिया, वन दिखाया नहीं आपको कोई दिक्कत, आर टू में से आर वन करेंगे तो शारीरिक का मान तो अपरिवर्तित रहेगा ना, हाँ तुम कहोगे पंक्ति तो चेंज हो गई, हाँ तो वो तो पंक्ति चेंज होगी, शारीरिक का रिजल्ट चेंज नहीं होगा, तो आर टू में से आर वन घटा दिया जीरो बनाने के लिए, फिर अगले स्टेप पे घटाता वो यहीं पर कर दिया, आर थ्री में से भी क्या घटा दिया आर वन, आर टू को नहीं घटाया क्योंकि आर टू तो चेंज हो चुका है, ध्यान से समझना, आर टू में से आर वन घटाया, आर टू चेंज हो गया तो आर टू से कुछ नहीं कहना है तुम्हें, ये दिमाग में फिर करना, आर टू में संक्रिया लग चुकी है, आर टू में से क्या घट गया है आर वन, मतलब आर टू चेंज हो चुका है, फिर यहां पर आर थ्री में से आर वन घटा दिया, दो जीरो बनाए, कॉमन फैक्टर बाहर निकाले और प्रसार कर दिया, और एंड में इसका रिजल्ट प्रूव कर दिया। एक और कठिन सा क्वेश्चन लेते हैं, तो दो तीन क्वेश्चन आपकी सब कराए जाएंगे इसी पैटर्न के, तो आपकी समझ में ये आने लग जाएगा, ध्यान से समझना, आगे के क्वेश्चन और देखते हैं। अब की बार मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे इसका। क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे कराने हैं, सारे ही कराने हैं जो कठिन कठिन है, लेकिन फिलहाल मैं एक ही पैटर्न के सवाल लेता हूं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर आएगा। जरा सिद्ध कीजिए कि एक डिटर्मिनेंट दे रखी है, क्या है, b प्लस सी ए प्लस बी ए, बी प्लस सी ए प्लस बी ए, और क्या दे रखा है, c प्लस ए बी प्लस सी बी, c प्लस ए
बी प्लस सी ए, बी है सॉरी, और ए प्लस बी, सी प्लस ए और सी, ये बराबर प्रूव करके लेके आना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3 ए बी सी, ये प्रूव करके लाना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखें। बी प्लस सी, तो ये पूरी डिटरमिनेंट है, इसका मान इसके बराबर सिद्ध करना है। ये सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यही इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने एलएचएस ले ली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड बी प्लस सी, ए प्लस बी ए, सी प्लस ए, बी प्लस सी बी, ए प्लस बी, सी प्लस ए सी, वो ऑर्डर में लिखे रहते हैं अक्सर। जैसे बी प्लस सी आ गया तो सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बी सी, तो ऑर्डर अपने आप बना रहता है इन सवालों में। तो इसको स्टार्ट करते हैं, वही काम डायरेक्ट प्रसार आपको नहीं करना है। डायरेक्ट प्रसार कर दोगे तो हो सकता है आपको इजी क्वेश्चन में रिजल्ट प्रूव्ड हो जाए, लेकिन जब अगर टफ क्वेश्चन आते हैं, बड़े रिजल्ट प्रूव करने को आते हैं, तो आप डायरेक्ट प्रसार कर दोगे तो सारे का मान आप झाकर भी उतना सिद्ध नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट पर कार्य करना है, उन्हीं बातों को ध्यान रखना है। किन बातों का, जो आपको बताई थी। सारे का मान किसी दिए गए मान के बराबर सिद्ध करने के लिए कुछ प्रक्रिया का ध्यान रखना है, जो सारी प्रक्रिया मैं आपको समझा चुका हूँ और बार बार मैं और क्वेश्चन हर बार रिपीट करता रहूंगा। सारे का मान किसी दिए गए मान के बराबर सिद्ध करने के सर्वप्रथम ये देखना है कि सारे की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई कॉमन तो अवयव नहीं है। तो कॉमन तो नहीं दिखाई दे रहा है इनमें, तुम कहोगे यहाँ ए है, यहाँ ए है, नहीं है। ए इंटू बी होता तो दोनों में से ए आ जाता, लेकिन इसमें भी होना चाहिए था फिर ए का गुणा से, तब ए आता। तो ऐसे कॉमन में नहीं आता, गुणन में होना चाहिए वो प्रत्येक अवयव में। तो साड़ी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई राशि वनिष्ठ है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा है नहीं इसमें। फिर साड़ी के गुण तो क्या करते हैं, गुण धर्मों का प्रयोग करके एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में 2 जीरो बनाने का प्रयास करते हैं। और मैंने कहा था ऐसा तब हो पाता है अक्सर करते, जब एक से अवयव बन जाए, वन 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 आ जाए तो वो जल्दी से बन जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो इसमें क्या किया जाए, पहले हम ये कोशिश करते हैं कि क्या कोई राशि कॉमन में बन सकती है, किसी पंक्ति में किसी पंक्ति को जोड़कर या घटाकर, ये देखते हैं। हर क्वेश्चन में एक से पैटर्न नहीं होते, हर क्वेश्चन अलग टाइप का आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करके देखा, एक बार ढंग से देखो इसको, ढंग से। अगर ये पहले स्तंभ में अगर मैं तीसरे स्तंभ को जोड़ दूं तो ये ए इसमें जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। बी इसमें जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। सी इसमें जुड़ जाएगा क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी इस पूरे में से कॉमन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ रही होगी बात, तो ये सवाल आसान हो जाएगा। तो यही काम किया है मैंने, क्या किया है, सी वन में एक संक्रिया लगाई है। अगर सी वन में मैंने क्या जोड़ दिया, सी थ्री, तो इसके फायदे क्या होंगे, सी वन में आप सी थ्री जोड़ोगे तो देखो क्या होगा, सी वन चेंज होगा क्योंकि सी वन में संक्रिया लगी है। क्या संक्रिया है, सी वन में किसको जोड़ा है, सी थ्री को, वही गुणधर्म नंबर 6 साड़ी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में, तो मैंने पहला स्तंभ ले लिया, किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को मतलब तीसरा स्तंभ ले लिया, किसी संख्या से गुणा करके वन का गुणा समझ लो, जोड़ा अथवा घटाया जाए जोड़ दिया। तो ऐसा गुणधर्म कहता है कि साड़ी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में से किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए तो साड़ी का मान अपरिवर्तित रहता है। तो वही तो काम कर रहा है, हम तो कोई अलग काम नहीं कर रहे। देखिए तो ए इसमें जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। सी प्लस ए में बी जुड़ेगा तो क्या लिख सकते हो, अरे तरीके से लिख लो इसको, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी में सी जुड़ेगा क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। बाकी एलिमेंट ऐसे ही आएंगे, केवल फर्क किस में पड़ेगा, सी वन पर, क्योंकि ऑपरेशन किस में लगाया आपने, सी वन में। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, बी सी। ये देखिए अब यहां पर इस स्तंभ का प्रत्येक अवयव एक सा हो गया कि नहीं हो गया, इसको साढ़े से बाहर निकाल लो। तो यहां से क्या किया, सी वन से ए प्लस बी प्लस सी क्या कर दिया मैंने, उभयनिष्ठ ले लिया। ये देखिए तो निकाल लो इसको बाहर, ए प्लस बी प्लस सी क्या बचेगा, यहां ए प्लस बी प्लस सी एक ही अब एक सा है, अब इसमें क्या बचेगा कॉमन लोगे तो यहां पर क्या बचेगा, वन वन वन, अब इसका गुणा करोगे तो यही आ जाए, समझ में आ रही होगी ये बात। बाकी इसको ऐसे ले लो, ये आपके अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर है, तो ये आपकी समझ में आएगा। अब देखो यहां पर वन 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 बन गया, पहला सा सवाल हो गया, ये कितना आसान हो गया, अब यहां से इसमें कोई दिक्कत नहीं रही।
हर सवाल में ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता वन 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 ना बने, तो कई और ऐसा मामला इसमें लेके आएंगे कि जीरो बनाने में आसानी हो जाए, लेकिन यहाँ तो जीरो आसानी से पूर्वक बनाया जा सकता है। बनाए तो आप कैसे बनाएंगे, जरूरी नहीं है आर टू में से ही आर वन घटाएंगे, आप कैसे भी घटा दे, आर वन में से भी आर टू घटा सकते हो, लेकिन कैसे भी घटा दो, आर टू में से क्या घटाया आर वन, आर थ्री में से भी क्या घटा दो आर वन, तो इसमें कोई उल्टा घटा सकते हो, आर वन माइनस आर टू घटा सकते हो, फिर आर टू माइनस आर थ्री, जैसा आपको सूटेबल लगे। तो पिछली बार की तरह हमने क्या किया, आर टू में से एक संक्रिया लगाई, आर टू में से क्या घटा दिया आर वन, तो वन में से वन घटेगा क्या बचेगा जीरो, अब यहां पर भी जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो आर थ्री में से भी क्या घटा दो आर वन, आर टू से कुछ मत कहना, आर टू चेंज हो चुका है, तो आपने क्या किया आर टू में से आर वन घटा दिया, अब आर थ्री में से भी क्या घटा दो आर वन। ये दोबारा से देखो, ये अगले स्टेप पे लगाई जाती है संक्रिया, लेकिन इसका सवाल फिर बड़ा हो जाता, तो क्यों ना एक बार ही कर लिया जाए, आर टू में से आर वन घटाओगे तो आर टू चेंज हो जाएगा, अगले स्टेप पे करते उसको अभी कर लिया, आर थ्री में से भी क्या घटा दिया आर वन, तो आर टू चेंज होगा और कौन होगा आर थ्री, आर वन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ रिजल्ट तो वही रहेगा जो है इसका, फिक्स रिजल्ट रहेगा, साढ़े का मान निश्चित होता है। तो देखिए ए प्लस बी प्लस, यहां से समझिए, देखिए आर वन तो ऐसे ही लिख लेना है आपको, ए वन ए प्लस बी ए वन ए प्लस बी, सरल करके घटाना है, वन में से वन जाएगा क्या बचेगा जीरो, बी प्लस सी में से क्या घटाना है ए प्लस बी, बी प्लस सी में से क्या घटाना है ए प्लस बी, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का ए माइनस का बी, और बी में से क्या घटाना है ए, क्या बचेगा बी माइनस, ये देख आर टू लिख दिया, आर थ्री को भी लिखो, आर थ्री में से भी क्या करें आर वन घटाना है, तो वन में से वन घटेगा क्या बचेगा जीरो, सी प्लस ए में से ए प्लस बी घटाना है, सी प्लस ए माइनस का ए हो जाएगा माइनस का ही बी, और सी में से ए घटेगा तो क्या बचेगा सी माइनस, समझ में आ रहा होगा ये, यहाँ सी प्लस ए में से ए प्लस बी घटाया, सी में से ए घटाया, वही आर थ्री में से क्या घटाया है आर, ठीक। अभी जल्दबाजी मत कर देना कि दो जीरो बन गए प्रसार कर दीजिए सर रिजल्ट ला दीजिए, अभी इसको सरल करके देखो कॉमन अवयव हो उसको बाहर निकालेंगे, तो फिलहाल यहाँ पर क्या बचा है बी से बी कट गया इसमें, और इसमें क्या घटा ए से ए, क्या बचा है ए प्लस बी प्लस सी वन ए प्लस बी ए जीरो सी माइनस ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी सी माइनस ए, ये दो जीरो बन गए प्रसार करने करने करेंगे, अब कोई और कोई कॉमन फैक्टर आ नहीं रहा है कॉमन में, कोई अवयव कॉमन में आ नहीं रहा है, हालांकि इसको और आगे तक हल किया जा सकता है, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है, जैसे इसमें से इसको घटाया जाए तो आपको बी ए ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस बी बचेगा, यहाँ पर सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कोई इससे फायदा नहीं है, हालांकि फिर ए माइनस बी कॉमन में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दो जीरो बन गए कॉमन फैक्टर है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो प्रसार कीजिए, तो हमने क्या किया आर वन के सापेक्ष करा दिया प्रसार, सॉरी सी वन के, पहले स्तंभ में दो जीरो बने सी वन के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार कह लो या विस्तार, तो बस इसका विस्तार करा दीजिए और इसकी पूरी कैलकुलेशन को ढंग से लिख दीजिए, ये देखिए वन के लिए ये हटेगा ये हटेगा, c माइनस ए का तो c माइनस ए से गुणा होगा क्या बन जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस c माइनस बी का गुणा किससे हो जाएगा b माइनस ए से, ये देखिए बाकी जीरो जीरो के लिए तो कोई जरूरत नहीं, इसको हल कर लीजिए a प्लस बी प्लस सी, इसको हल करो c माइनस ए का होल स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस टू सी ए, इन दोनों का गुणा करना है माइनस का भी गुणा होगा तो माइनस सी का बी से होगा माइनस के बी सी माइनस सी का ए से होगा प्लस के सी ए एस, ऑर्डर में लिखते हैं हमेशा ए बी बी सी सी ए, इस प्रकार माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, बी का अंदर गुणा करोगे प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा और बी का इससे करोगे माइनस का ए, ये वैल्यू आएंगी, इसको फिर हल करो थोड़ा सा ए प्लस बी प्लस सी क्या क्या बचेगा तरीके से जमा के लिख दो इनको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थोड़ा ऑर्डर बना के लिख दो, और क्या बचा माइनस का ए बी
माइनस का बी सी, और ये देखिए ये माइनस का टू सी ए प्लस का सी ए, माइनस का टू सी और प्लस का सी ए कितना हो जाएगा, माइनस का सी ए। तुम कहोगे सर रिजल्ट तो ये प्रूफ करवाया था, रिजल्ट तो ये ला दिया आपने, तो ये एक ही बात है। अगर इस ए का पूरे में गुणा करोगे, बी का पूरे में गुणा करोगे, सी का पूरे में गुणा करोगे, तो सारे पद कट जाएंगे, यही आ जाएगा। और ये हमने टेंथ क्लास में फॉर्मूला भी पढ़ा था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये इसके बराबर है। चूंकि ये फॉर्मूला है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। तुम कहोगे सर हमने तो ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं था, नहीं पढ़ा था तो कोई दिक्कत नहीं, आप ए का पूरे में गुणा करो, फिर बी का पूरे में गुणा करो, सी का, सारे पद कट जाएंगे, केवल क्या रह जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। समझ में आ गया भाई, नहीं आता तो इस ए का पूरे में गुणा कर लेना, बी का और सी का, यही आ जाएगा। वैसे हमने डायरेक्ट फॉर्मूला भी पढ़ा था टेंथ क्लास में, बीजे व्यंजक पढ़े थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, तो ऐसे ही इसमें एक फॉर्मूला था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उसमें एक कंडीशन और थी कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो जाए तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है थ्री ए बी सी। समझ में आ गया होगा, अच्छे से आया होगा, शंक्रिया लगाने में अभी थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये वही छठा वाला गुणधर्म जो लिखाया था, किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए, सारित का मान अपरिवर्तित रहता है। ऐसा करते क्यों है, हम दो जीरो बनाने का प्रयास करते हैं, और वो भी ये करते हैं एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में आ जाए। तो मुझे लगता है ये अभी समझ में आ रहा होगा ढंग से, इसका और आगे का क्वेश्चन एक दो और देखते हैं, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। हाँ तो आगे बढ़ाते हैं, जैसे थोड़ी इंक प्रॉब्लम है, एक मिनट देखिए द्वारा, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए आपका क्वेश्चन लेता हूं। तो 4.2 के अलावा कुछ एक और ले लेता हूँ, इसे विभिन्न के आपके एक ही पैटर्न के सवाल है, 16, 17, 18, 19 एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 17वां मैं एक ही पैटर्न के सवाल इसलिए ले रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में कनेक्ट हो जाए बात। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17वां विभिन्न का, हर सवाल आपको कराऊंगा कठिन कठिन जितने भी क्वेश्चन है, फिलहाल मैं एक ही पैटर्न के सवाल ले रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वही सिद्ध कीजिए सारिक का रूप कैसा भी हो सकता है, बड़ा सवाल लग सकता है आपको देखने में, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बस देखते चलना है। क्या है a माइनस बी माइनस सी, कल मैं इसके 4.2 के कंटिन्यू वाले सवाल आपको बताता जाऊंगा कौन सवाल कैसे है, फिलहाल इसके एक दो सवाल और देखते हैं। तो a माइनस बी माइनस सी 2a 2a इस प्रकार लिखी हुई है कोई डिटर्मिनेंट, यहां पर क्या है 2b बी माइनस सी माइनस ए 2b फिर 2c 2c और यहां पर सी माइनस ए माइनस बी, ये एक ही लाइन है, बराबर क्या सिद्ध करके दिखाना है आपको, ए प्लस बी प्लस सी का होल, ये देखिए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड फिर लेते हैं LHS ए माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस c माइनस a 2 2c 2c c माइनस a माइनस b, ये। तो अब यहां पर देखोगे कि सर R1 में 2a कॉमन मारा है, तो यहां पर 2a है, यहां पर 2a, लेकिन यहां पर 2a नहीं है, नहीं आ सकता, 2b यहां है, 2b यहां है, इसमें 2b नहीं है, 2b गुणा में होता है इसकी में तो कॉमन मार जाता। तो सारिक का मान किसी दिए गए मान के बराबर सिद्ध करने के लिए आप तो कहोगे सर वही प्रक्रिया फिर अपनाएंगे, हाँ तो हर बार वही अपनानी है, देखते चलो। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई राशि उभयनिष्ठ तो नहीं है, तो आप देखोगे यहाँ पर 2a 2a यहाँ 2a नहीं है, तो ऐसा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा कि पूरी पंक्ति अथवा पूरे स्तंभ में कोई एक ही राशि कॉमन में आ रही हो जिसको सारिक से बाहर निकाला जा सके, ऐसा है नहीं।
इसके अलावा फिर ये देखो किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई ये तो हो ही गया, फिर इसके गुणधर्मों का प्रयोग करके दो जीरो बनाने का प्रयास करो और वो प्रयास करो तो एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में दो जीरो आ जाए। और मैंने आपको कहा था ऐसा तभी हो पाता अक्सर करके जब एक से अवयव बन जाए तो वन 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 बन जाए। अगली क्लास में आपको देखेंगे अटपटे सवाल भी लेंगे जिसमें वन 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 नहीं बनेगा, कहीं पर भी दो जीरो बनाएंगे। तो फिलहाल देखिए, तो ये देखिए कि किसी पंक्ति में किसी पंक्ति को जोड़ दूं या घटा दूं क्या एक से अवयव बन जाएंगे। ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपका एक से अवयव बन गया था वन वन वन, तो दो जीरो बनाना हमारा आसान हो गया था अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ऐसे ही कहीं देखो ऐसा कुछ बन सकता है क्या, तो देखते हैं। तो मेरे को इसमें यह लग रहा है, मुझे देखिए अगर मैं आर वन में आर टू और आर थ्री दोनों को जोड़ दूं तो देखो टू बी इसमें जुड़ेगा तो बी आ जाएगा, 2b में से b चला जाएगा b बचेगा, 2c में ये इसमें जुड़ेगा तो c बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ a प्लस बी प्लस सी, और इसमें ये दोनों जुड़ेंगे तो 2a में से a जाएगा a बचेगा, b प्लस का ये 2c माइनस c प्लस का c आ जाएगा। तो मैंने क्या किया है यार, देखो r1 में r2 और r3 दोनों को जोड़ा है। ये देखिए तुम कहोगे सर ऐसे कैसे दो दो को जोड़ सकते हो, तो पहला ही गुणधर्म है साड़ी की किसी पंक्ति मतलब पहली पंक्ति में ले ली, किसी अन्य पंक्तियों को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया मतलब जोड़ दिया, गुणा किसका वन का। तो ऐसे बोलने में आता है आप ऐसा कर सकते हो साड़ी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ा अथवा घटाया जाए, साड़ी का मान परिवर्तित रहता है। तो मैंने आर वन सेलेक्ट कर ली, आर वन में मैं आर टू को वन से गुणा करके और आर थ्री को वन से गुणा करके जोड़ रहा, तुम यहाँ पर घटा भी सकते हो, लेकिन ये देखो उससे फायदा क्या होगा, तो यहाँ पर जोड़ने से फायदा होगा घटाने से फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी समझ में आ रहा होगा, अभी अटपटी लग रही है, आप खुद देखोगे एग्जाम्पल देखोगे प्रयास करोगे आपकी समझ में आने लग जाएगा। दो जीरो बनाने के लिए एक से अवयव बना रहे जिसको बाहर निकाल सके और दो जीरो इसमें बना ले। तो देखो, तो अगर आर वन में आप आर टू आर थ्री को जोड़ोगे तो जोड़ दो, केवल आर वन चेंज होगी ना तो आर टू चेंज होगी ना आर थ्री, आर टू और आर थ्री ऐसी रहेंगी, चाहे तो इनको पहले से लिख लो चाहे बाद में लिख लेना, जोड़ो a माइनस बी माइनस सी में 2b भी जुड़ेगा 2c भी जुड़ेगा। अब a माइनस बी माइनस सी में आप 2b को और 2c को जोड़ोगे तो क्या आएगा, a तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का b प्लस का 2b कितना हो जाएगा प्लस का b, और माइनस का c प्लस का 2c कितना हो जाएगा प्लस का c। आई समझ में, ऐसे 2a में ये दोनों जुड़ेंगे, 2a में कौन जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा, मतलब b माइनस c माइनस a प्लस 2c, तो क्या आएगा 2a माइनस ए तो a रह जाएगा, b ऐसे ही रहेगा और 2c माइनस c क्या हो जाएगा c, मैं अलग से रिप्रेजेंट करके बता दे रहा हूं आपको। ऐसे 2a में ये दोनों जुड़ेंगे, कौन 2b जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। अरे भाई r1 में आप r2 को भी जोड़ रहे हो और r3 को भी, ऐसी तो लिखोगे तो इसमें ये दोनों की दोनों जुड़ेंगे, तो देखो ये लिख दिया हमने 2a में 2b भी जुड़ा है और ये भी जुड़ रहा है, तो 2a माइनस ए तो क्या रह जाएगा a, 2b माइनस b क्या रह जाएगा b, और 2c खाली c तो है। समझ में आया होगा, अपनी कैलकुलेशन आप अलग से करके देख सकते हो साइड में, हर कैलकुलेशन को यहां पे दर्शाओगे तो स्टेप बढ़ते जाएंगे, तो स्टेपों को बचाने के लिए अलग से सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया। अब r1 में जैसे ही r2 और r3 को जोड़ोगे तो r1 का प्रत्येक अवयव क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जिसको साढ़े छह में बाहर निकाल लूंगा। तो ऐसी तो आपको देखने से साढ़े में आपको महसूस होगा क्या करना है, पहले आपको इतना ही दिमाग लगाना है। तो ये सब प्रैक्टिस का खेल है, ये आपकी समझ में आएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साढ़े को ढंग से देखना है, पंक्ति अथवा स्तंभ में कोई अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ को जोड़ने से कुछ काम बने, घटाने से कॉमन में आ रहा है, तो ये प्रयास करती है। तो क्लियर है, अब देखिए बाकी आर टू और आर थ्री को आपको ऐसे ही उतारना है। ये देखिए तो R2 को ऐसे लिख लो, ये देखिए ये मैंने ऐसे निकाल ली 2b b माइनस c माइनस a 2b 2c 2c c माइनस। अब R1 में क्या कॉमन में दिखाई दे रहा है आपको a प्लस b प्लस c, इसको साढ़े से बाहर निकाल लो, तो R1 से a प्लस b प्लस c क्या कर दिया कॉमन ले लिया, तो वैनिश्ड लेने बाद तो निकाल लो आर वन से ए प्लस बी प्लस सी, क्या बचेगा बाकी होगा ऐसे लिख दो, ये देख लो तो ए प्लस बी प्लस सी निकाल दो क्या बचेगा वन वन वन,
वन वन वन, बाकी एलिमेंट ऐसे लिख लो टू बी बी माइनस सी माइनस ए, टू बी टू सी टू सी सी माइनस ए माइनस बी, ये देखो क्लियर। वन 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 आ गया, अगले आगे की क्लास में देखोगे वन 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 नहीं बनेगा तो भी दो जीरो बनाने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है वो एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में नहीं बने तो कहीं और बन जाए, लेकिन दो जीरो बनाए बिना प्रसार नहीं करना है, कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना है। दो जीरो बनाना इसमें आसान है, पिछली क्लास अभी बताया था आप किस प्रकार बनाया जाए, जैसे मान लो सी वन में से सी टू घटाओ तो वन में से वन घटेगा तो क्या बचेगा जीरो, सी टू में से सी थ्री घटा देना वन में से वन बचेगा क्या घटेगा क्या बचेगा जीरो, तो किसी भी प्रकार आप लिख सकते हो, उल्टा घटा सकते हो, C2 माइनस C1 कर सकते हो तो 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा जीरो, C3 माइनस C1 कर सकते हो तो 1 में से 1 घटेगा क्या बचेगा जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा यहाँ पर भी, तो कैसे भी प्रक्रिया अपना सकते हो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया देखो, सी वन माइनस सी टू कर सकते हो, सी टू माइनस सी वन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, आपको तो जीरो बनाना है यहाँ पर बन जाए या यहाँ पर, तो मैंने क्या किया सी टू में एक संक्रिया लगाई का C2 माइनस क्या कर दिया C, क्लियर, उल्टा भी करके चल सकते हो आप C1 माइनस C2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे C1 में संक्रिया लगाई आपने C1 में से क्या घटा दिया C2, तो C1 चेंज हो जाएगा 1 में से बन जाएगा या जीरो आ जाएगा, समझ में आ रही होगी ये बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे भी कर लो आप C1 माइनस C2 कर लो या C2 माइनस C1, तो जैसे C2 में संक्रिया लगाई C2 में से क्या घटा दिया C1, तो C2 चेंज हो गया 1 माइनस वन जीरो आएगा, यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा 2c में से 2c जाएगा जीरो, अब अगले स्टेप पर यहाँ पर भी जीरो बनाना है तो c3 में से क्या घटाओगे फिर c1, c2 तो चेंज हो गया c2 से कुछ मत कहना, तो फिर मैंने क्या किया c3 में ये अगले स्टेप पर लगाने से बेटर है यही लगा लो c3 में से भी क्या घटा दिया c1, तो c2 में से भी c1 घटा रहा हूं 1 में से बन जाएगा या जीरो बचेगा, c3 में से भी c1 घटा रहा हूं 1 में से बन जाएगा क्या बचेगा या जीरो, c1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब C1 को तो घटाया गया है C2 में से और C3 में से, तो C2 में संक्रिया लगाइए और C3 में, C2 में से C1 घटाया तो C2 चेंज हो गया, C3 में से C1 घटाया तो C3 चेंज हो गया, समझ में आ रही होगी। ये काम आप अलग अलग स्टेप पर जाकर कर सकते हो या एक ही साथ, बढ़ाने से बेटर एक ही साथ कर लिया। अब इसको अप्लाई कराओ देखो, ए प्लस बी प्लस ऐसे ही समझना आप ढंग से यहां से कैलकुलेशन अलग से कर सकते हो, C1 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मैंने आपको बताया था, C2 चेंज हो रहा है और C3 ये तो ऐसे ही रहेगा 1 2b 2c घटाओ ढंग से 1 में से 1 घटाओगे 0, b माइनस c माइनस a में से 2b घटाओगे, b माइनस c माइनस a में से 2b घटाओगे, ये देखिए तो क्या बचेगा माइनस ए और बी में से टू बी जाएगा माइनस के बी और माइनस के सी, यही तो बचेगा, अरे इसमें से बी माइनस सी माइनस ए में से टू बी घटाओगे तो यही तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा, इसको कैसे लिखोगे माइनस ए माइनस बी माइनस सी, माइनस आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो चाहे तो ये कैलकुलेशन यहां दर्शाओ चाहे लक्ष्य सॉल्व करके दर्शाओ, तो जब इसमें से इसको घटाओगे बी माइनस सी माइनस ए में से किसको घटाओगे टू बी को, तो देखो माइनस ए ऐसे ही रहेगा बी में से टू बी जाएगा माइनस बी और माइनस के सी, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है माइनस ए प्लस बी प्लस, और टू सी में से टू सी घटेगा क्या बचेगा जीरो, अरे पूरे में से घटाना है सी टू में से सी वन, अब फिर आगे इसी प्रकार सी थ्री में से सी वन को घटाना है तो वन में से वन जाएगा क्या बचा जीरो, टू बी में से टू बी जाएगा क्या बचा जीरो, और इसमें से ये जाएगा सॉल्व करके देख लो c माइनस ए माइनस बी में से किसको घटाना है 2c को, तो कैसे लिखोगे इसको माइनस ए माइनस बी और c में से 2c जाएगा तो माइनस का c, माइनस कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी प्लस, तो क्या बचेगा a प्लस बी प्लस, ये देख समझ में आ गया कि नहीं आया, सॉल्व करके लिख दिए कैलकुलेशन को, तो आप अलग से सॉल्व करके लिख दिया करो कोई दिक्कत नहीं। अब दो जीरो बन गए, उनका भाई सर यहां पर भी बन गए ये तो यहां पर भी, तो कोई दिक्कत नहीं आपने तो R1 में बनाए ना, तो आप इसी के साथ इस प्रसार कर दीजिए, तो कहोगे सर इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन मारा आपने कहा था जीरो में से प्रत्येक राशि कॉमन मार सकती, हाँ तो यहां से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन मारा यहां से भी, मतलब डायरेक्ट प्रसार कर दो क्योंकि
कोई फायदा नहीं है, एक बार में रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा, लेना चाहो बार ले सकते हो। तो हमने क्या किया, R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करा दिया। करने पर ये देखिए a प्लस बी प्लस वन के लिए ये हटेगा, ये हटेगा, इसका गुणा इससे तो माइनस माइनस, तो प्लस a प्लस बी प्लस सी का गुणा a प्लस बी प्लस सी से होगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और जीरो का गुणा जीरो से क्या बचेगा, जीरो। बाकी इसके लिए और इसके लिए कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पहली क्लास में आपको समझा दिया था। कुल मिला के यहां तक अब तक क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी, और क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का गुणा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से करोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और यही हमारी थी राइट हैंड साइड। समझ में आ गया होगा ये? तो इस प्रकार हम सारे के गुणधर्मों का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास में आपको गुणधर्मों का प्रयोग करना समझ में आ रहा होगा, किस प्रकार अप्लाई कराने हैं। तो सारिक का मान किसी दिए गए मान के बराबर सिद्ध करने के लिए आप घर पे एक दो सवाल और लेने हैं, इसी विभेद प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 16 इनको आप ट्राई करें अगर बुक हो तो। हालांकि ये विभेद प्रश्नावली की जब भी टॉपिक आएगा एक दो दिन में, तो आपको ये सारे सवाल मैं लिखाऊंगा जिसको आप हल करेंगे, और साथ ही साथ हम भी प्रयास करेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज की क्लास में आपकी समझ में आ गया होगा मुख्यतः सारिक का मान किसी मान के बराबर सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले ये देखना है कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, यदि है तो बाहर निकाल लो। फिर गुणधर्मों का प्रयोग करके दो जीरो बनाने का प्रयास करो, और सारिक में से फिर पंक्ति अथवा स्तंभ में से कोई राशि कॉमन मारी तो बाहर निकालो, और अंत में उसी के सापेक्ष प्रसार कर दे सारिक का मान दिए गए मान के बराबर सिद्ध कर दे। तो आज की क्लास में आपका ये ढंग से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। कहीं कोई दिक्कत हो आप तो कमेंट में लिखना, मैं आपको उस टॉपिक को सॉल्व करके बता दूंगा। क्वेश्चन 4.2 के जितने भी कठिन कठिन है उनको अगली क्लास में लेंगे, फिर विभिन्न के सवाल लेंगे। अगली क्लास में आप देखेंगे कि एक ही पंक्ति अथवा एक स्तंभ में 1-1-1 ना बचे तो किस प्रकार जीरो बनाएंगे, तो इस प्रकार के अटपटे दो चार सवाल में और लूंगा। तो बीच में दो चार दिन का ये गैप रहा, आप कोई दिक्कत नहीं है उससे, थोड़ा सा आप शुरू से पहले से पढ़ लेना सारिक को। तीन लेक्चर हमारे सारिक के हो चुके हैं, ये चौथा लेक्चर था। तो आज की क्लास आपकी समझ में आई होगी, इसको एक बार ढंग से समझना है, एग्जाम्पल देखनी है अगर बुक हो तो अवेलेबल, और अगली बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।